आज का हमारा लेक्चर है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में पढ़ा था और यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में हमने पढ़ना है। तो मैंने कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं। आपने डिटेल में अगर आपने इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आप इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं। तो क्योंकि रिविज़न कर रहे हैं तो मैं जस्ट उतनी ही प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी है मैंने जिनका इस एक्सरसाइज में यूज़ है, ठीक है। तो दूसरा ये कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इस सिलेबस में, जो आपका 10+2 में सिलेबस में है, तो ये प्रॉपर्टी जो हैं वो कुछ कंडीशन के साथ हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे पहली प्रॉपर्टी मैंने लिखी, तो यहाँ पे देखो एक्स वाई लेस देन 1 लिखा है, सबके साथ कोई ना कोई यहाँ पे कंडीशन लगी है। तो इसका मीनिंग है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो डोमेन या रेंज है, उन सब के ऊपर इनके रिज़ल्ट जो है वो ट्रू नहीं है। हो भी सकते हैं नेवी हैं, लेकिन आपकी बुक के हिसाब से, जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से, ये रिज़ल्ट ट्रू हैं फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की सभी वैल्यू के लिए नहीं है, मतलब डोमेन जो है उस सभी डोमेन के लिए ये रिज़ल्ट ट्रू नहीं है। कुछ एक्स के लिए ये रिज़ल्ट ट्रू है, वो साथ में कंडीशन यहाँ पे दी गई है। तो हमने वन बाई वन इनको डिस्कस करना है और इसके ऊपर जो क्वेश्चन है 2.2 एक्सरसाइज के वो कवर करेंगे। तो अभी तक आपने पढ़ा है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x आपने किया, तो इसे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू साइन y, ठीक है। तो देखो, इफ x इज इक्वल टू साइन y, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू, दिस इज इक्विवेलेंट टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x। ये आपने जब हमने 2.1 एक्सरसाइज में इनवर्स फाइंड किया था तो हमने साइन ऑफ साइन इनवर्स x क्या किया, x। और यहाँ पे जो x है वो किसे बिलोंग कर रहा है, -1 to 1, वो ये रेंज है। सिमिलरली साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू x। जब भी साइन x है, इस टाइप का आपका फंक्शन आता है, यहाँ पे साइन इनवर्स है तो ये आपस में कैंसिल होता है, हमारे पास क्या आता है, x। और इसमें x किसे बिलोंग कर रहा है, -π/2 से लेकर π/2 क्लोज इंटरवल। तो ये हम अब तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए, कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी यहाँ पे, वो देख लेते हैं क्या। पहले प्रॉपर्टी से क्या है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वो किसके इक्वल है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई ब्रैकेट में है, और यहाँ पे जो x मल्टीप्लाई वाई है वो लेस देन 1 है, ये विद कंडीशन रिजल्ट आपका है। सेकेंड है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y, और यहाँ पे x y जो है ग्रेटर देन माइनस 1 है। और अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे ऊपर प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है। और ये आपको याद रखनी है प्रॉपर्टी, जब अगर आपने एक्सरसाइज 2 सॉल्व करनी है। तो सेकंड देखिए, 2 tan इनवर्स x है, तो ये भी 2 tan इनवर्स x है, 2 tan इनवर्स है, तो तीन रिजल्ट हैं यहाँ पे, लेकिन उनके आगे वाले जो राइट हैंड साइड है वो सारे डिफरेंट हैं। 2 tan इनवर्स x हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे मॉडुलस x लेस देन इक्वल टू 1। सेकंड में है कोज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। थर्ड में है टेन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे x जो है वो माइनस 1 और 1 के बीच है, मतलब x ग्रेटर देन माइनस 1 और लेस देन 1 है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, जैसे ये जो मतलब तीन रिजल्ट हैं, ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के ऊपर कि आपका क्वेश्चन कैसा है। जैसे क्वेश्चन होगा उसी प्रकार आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है वहाँ पे। हम देखेंगे जब क्वेश्चन फाइंड करेंगे तो आपको वहाँ पे आइडिया आ जाएगा। अगला रिजल्ट है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोज इनवर्स जो है वो पाई बाई टू के इक्वल होता है, और यहाँ पे एक्स जो है माइनस 1 और 1 के बीच में, इन स्क्वेयर ब्रैकेट में है,
टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स भी पाई बाई टू के बराबर है, और एक्स यहाँ पे जो रेंज है वो है रियल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे कोसेकेंड एक्स, कोसेकेंड इनवर्स एक्स प्लस सेकेंड इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, और एक्स मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू वन है। तो ये कुछ रिजल्ट हैं, रिजल्ट और भी हैं, वो आप वहाँ से लिंक से आप चेक कर सकते हैं वो रिजल्ट क्या है, और वो आपने याद करने हैं। तो अभी हम एक क्वेश्चन लेते हैं इन रिजल्ट के ऊपर, अगर आपने नोट करना तो नोट कर लो। चलिए एक एग्जांपल है, टैन इनवर्स 1 बाई टू प्लस टैन इनवर्स 2 बाई 11, और आपने शो करना है कि टैन इनवर्स 3 बाई 4 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, टैन इनवर्स 1 बाई टू प्लस टैन इनवर्स 2 बाई 11। अब आप ये प्रॉपर्टी चेक करें, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो सकती है, फर्स्ट। तो इसलिए फिर मैंने तभी कहा कि ये जो रिजल्ट है ये आपने याद रखने हैं। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो है उसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड y 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे ये बेटा x है और ये क्या है, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगी, tan इनवर्स आप ब्रैकेट लगा लें, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 1 बाई टू प्लस और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई टू 2 बाई 11। तो ये आ गया जी tan इनवर्स, और यहाँ पे ऊपर आप एलसीएम निकाल लें, कितना आ गया 11, 4, 11, और यहाँ पे क्या 22 माइनस 2 अपॉन 11, नहीं यहाँ पे आना था 22, ठीक है एलसीएम। तो ये कैंसिल बेटा, तो ये आ गया tan इनवर्स, ऊपर आ गया 15, नीचे आ गया 20। आप इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, तो ये 3 अपॉन 4 एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड, ठीक है। तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको ये रिजल्ट याद आता तो, ठीक है नोट कर लें। ये आप एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि आपने प्रूव करना है कि 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है, और यहाँ पे x जो है वो माइनस 1 बाई टू और 1 बाई टू को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हमने शो करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे देखो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड के लो, मैंने वैसे यहाँ लिख दिया था राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड लेना है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब स्टेप क्या है हमारा पहला, कि ये इस ब्रैकेट के अंदर क्या बनना चाहिए, साइन बनना चाहिए, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स है तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या आना चाहिए, साइन आना चाहिए। तो साइन ऑफ अगर वेरिएबल एक्स है तो साइन एक्स बन जाए, जो कुछ और बन जाए तो साइन आना चाहिए। अब आप याद करिए कि जब आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री की थी तो क्या आपने ऐसा कोई फार्मूला, कोई मिलता जुलता क्या आपने किया था, कोई याद करें आपको, क्योंकि जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन करने तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का भी काफ़ी रोल है, ट्रिग्नोमेट्री का भी बहुत ज़्यादा रोल है। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जितने भी है वो इसमें यहाँ पे यूज़ होंगे, ठीक है। तो याद है या नहीं याद है, नहीं याद, तो क्या आपने ये पढ़ा था, कि साइन 3x जो फंक्शन है वो किसके इक्वल होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन एक्स। मैं इसका एंगल यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, मैं थीटा ले रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, मैंने वेरिएबल इसका एंगल, तो ये आपने रिजल्ट पढ़ा था आपने। अब आप यहाँ पे कंपेयर करें, क्या ये इसके साथ मिलता जुलता है, क्या फ़र्क है, एक्स की जगह पे साइन थीटा है, तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, और यहाँ से थीटे की वैल्यू भी मैं अभी ही फाइंड कर लूँगा साइन वर्स एक्स, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ साइन इनवर्स ब्रैकेट क्या बन गया, माइनस 4 साइन क्यूब थीटा,
और फर्दर मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिए साइन वर्स साइन थीटा, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, और थीटे की वैल्यू आपने पहले ही फाइंड कर ली है। क्या ये लेफ्ट हैंड साइड है? ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना था। ओके चलिए नोट करें। नेक्स्ट देखें, ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। टू टैन इनवर्स 1/2 प्लस टैन इनवर्स 1/7, और प्रूव करना आपने ये टैन इनवर्स 31/17 है। अब देखिए कैसे सॉल्व करें, लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो 2 × tan−1/2 प्लस tan−1/7, तो हाँ जी, तो देखें ये हमारे पास रिजल्ट हैं, इनमें से कौन सा रिजल्ट यहाँ पे यूज़ होगा, ध्यान से देखना आपने। फर्स्ट, तो आप कहते हैं कि फर्स्ट रिजल्ट यूज़ होना है। फर्स्ट रिजल्ट देखिए क्या है, tan−x + tan−y। क्या यहाँ पे tan−x + tan−y है? हाँ जी, यस सर कि नो सर, कुछ बोल रहे हैं यस कुछ नो। यहाँ पे देखिए tan−x + tan−y, क्या ये tan−x + tan−y है? ये 2 नहीं है यहाँ पे? क्या यहाँ पे 2 है? फिर ये रिजल्ट कैसे लगेगा? तो इसे बनाना पड़ेगा हमें, इस रिजल्ट को हमें ये बनाना पड़ेगा। और ये कैसे बनेगा कि हमारे पास यहाँ पे है 2 tan−1/2, ये है जी 2 tan−x, 2 tan−x, ये 3 रिजल्ट हैं। इन तीनों में से कोई एक रिजल्ट आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो इन तीनों में से कौन सा यूज़ करेंगे? ये करें, ये करें, ये करें, मतलब ये फर्स्ट वाला करें, सेकंड वाला करें, थर्ड वाला करें? थर्ड वाला। उसका कारण है कि अगर हम इसे करते हैं यूज़, तो ये जो 2 tan−1 है ये कन्वर्ट हो जाएगा tan−1 में, तो हमें क्योंकि फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ करना, तो हमें tan−x चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये जो फिफ्थ वाला रिजल्ट है ये यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, आपने लिखना ज़रूर है कि आपने कौन सा रिजल्ट यूज़ किया। तो 2 tan−x, तो x की जगह पे क्या है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, tan−(2 x, तो 2 × x कितना है, अपॉन 1 − x²। एक्स यहाँ पे कितना है, तो ये ब्रैकेट क्लोज कर दें, ये आ गए tan−1/1। तो आप इसे सॉल्व कर लें, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ये कैंसल, 1 × 1/4, 4 − 1/4 प्लस tan−1/7 tan−1, और ये 4 ऊपर चला जाएगा नीचे 3, और प्लस tan−1/1। अब आप देखें कि ये जो रिज़ल्ट है अब आपका पहले रिजल्ट के साथ मैच करता है। दिस इज योर tan−x, tan−y। अब हम पहले वाला रिजल्ट यूज़ करेंगे, ठीक है? तो चलो करें यूज़। tan−ब्रैकेट लगाना चाहिए लगा ले, नहीं लगाना ना देखें आप। x + y 4/3 + 1/7 − 1 − 4/3 − 1/ आप ये आंसर लिख सकते हैं tan−1। देखिए ये बन गया 28 और प्लस 3 ऊपर 21, नीचे देखिए 21 − 4 नीचे 21, ये कैंसिल, और हमारे पास सिंप्लीफाई करके आ गया 31, और नीचे कितना आ गया 70, और दिस इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है जी, चलिए नोट करें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन आपने सिंप्लीफाई करना है जी। tan−1 + x² रूट में है −1/x, और यहाँ पे x जो 0 के इक्वल नहीं है। तो और भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, सारे सिंप्लीफाई हैं, और उसमें सब में tan−1 ही है। तो आपने इनको
क्या स्टेप है, आपने क्या अपने दिमाग में रखना है? देखो तो दिमाग में यही रखना है कि ये ब्रैकेट है इसके अंदर क्या बनना चाहिए, टेन बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? टेन बनना चाहिए, तभी टेन इनवर्स उसके साथ कैंसिल होगा। अब नेक्स्ट आगे ये डिपेंड करता है कि जो इस ब्रैकेट के अंदर जो आपको टर्म दी होगी, जो वेरिएबल दिया होगा, उसमें हमने कौन सा फंक्शन पुट करना है ट्रिग्नोमेट्री का, ताकि वो सॉल्व हो जाए और यहाँ पे फिर आफ्टर सिंप्लीफाई वो टेन बन जाए। ये दिमाग में आपने रखना है। तो जैसे यहाँ पे है, अब यहाँ पे जो एक्स है आप इसे साइन थीटा पुट कर सकते हैं, कॉस थीटा पुट कर सकते हैं, टेन थीटा, सीकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का क्या मीनिंग है कि यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वेयर है, तो एक्स मैं ऐसे पुट करूँ कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लूँ कि ये जो अंडर रूट है, ये स्क्वेयर रूट है, वो सॉल्व हो जाए। अब देखो क्या मैं एक्स लूँ यहाँ पे कि फिर ऐसी कोई आइडेंटिटी बन जाए, दो है ना जी, दो टर्म है, तो ऐसी आइडेंटिटी बन जाए, सिंगल बन जाए, सिंगल का रूट करना आसान हो जाएगा। अब देखो सपोज करो मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू साइन थीटा पुट कर देता हूँ, लेट अस सपोज करो साइन थीटा पुट कर देता हूँ, क्योंकि मैं फ्री हूँ, छः के छः टी रेशो जो है उनमें कोई भी पुट करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वन प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। तो क्या वन प्लस साइन स्क्वेयर थीटा कोई आइडेंटिटी है जो किसके किसी सिंगल फंक्शन के बराबर है? किसके? तुम्हारी तो अकल की दाद देनी पड़ेगी बच्चों। ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा। अगर जहां पे मैं साइन पुट कर रहा हूं तो मुझे यहां मिलेगा वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, और यहां मिल रहा वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, तो मैं कैसे कैंसिल करूंगा? फिर यस, हम यहां पुट करेंगे टेन थीटा। कारण कि जब मैं टेन पुट करता हूं यहां पे देखिए, टेन इनवर्स ब्रैकेट वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा रूट माइनस वन अपॉन में आ गया टेन थीटा, और यहां पे आप थीटा की वैल्यू पे पहले फाइंड करके रख लेनी अपने। तो अब देखिए टेन इनवर्स तो वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है कि वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ पे सिंगल टर्म बन गई सीकेंट स्क्वेयर थीटा, और सीकेंट स्क्वेयर थीटा का आप स्क्वेयर रूट लें तो आपके पास क्या बन जाता है? तो यहाँ पे मेरे पास आ गया सीकेंट थीटा माइनस वन अपॉन थीटा। तो अब हमारे पास ये सिंपल क्वेश्चन बन गया, अब हमने इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं आराम से। ये देखो टेन इनवर्स सीकेंट थीटा को क्या मैं वन अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ, माइनस वन अपॉन वन लिख सकता हूँ, नीचे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू टेन इनवर्स, देखिए ऊपर एलसीएम निकाल लें, वन माइनस कॉस थीटा, नीचे कॉस से कोई कैंसिल, क्या बचेगा? आगे फर्दर देखिए टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये भी ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। कॉस टू थीटा किसके बराबर होता है? वन माइनस टू साइन स्क्वेयर थीटा, टू कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस वन भी होता है, लेकिन हमें वन माइनस कॉस थीटा चाहिए, तो मैं कॉस लेगा साइन ले जाऊँगा, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा टू साइन स्क्वेयर थीटा बाई टू। कारण क्योंकि तो यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे मैंने टू थीटा लिया तो ये थीटा है, या यहाँ पे थीटा आ जाएगा तो इसका एंगल साइन का जो है वो थीटा बाई टू हो जाएगा। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, फर्दर टू से टू कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, एक बचेगा साइन, नीचे बचेगा कोस, साइन बटा कोस क्या बन जाएगा? टेन। तो मेरे पास बन गया टेन इनवर्स टेन थीटा वाई टू, टेन इनवर्स टेन कैंसिल, आपके पास आ गया थीटा वाई टू वन बाई टू, थीटे की वैल्यू आपने ऑलरेडी यहाँ पे पहले ही फाइंड कर लिया। दिस इज योर सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है जी।
तो हमने क्या देखना है, बहुत सारे क्वेश्चन है, 7-8 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में, तो आपने बस ये चेक करना है कि यहाँ पे जैसे भी दिया होगा, हो सकता है यहाँ पे अगर 1 - x² गिवन होता तो आपने फिर क्या पुट करना था, फिर तो साइन ही पुट करना था, क्योंकि 1 - sin² θ या cos पुट करना था, 1 - cos² θ किसके इक्वल, एक सिंगल टर्म के बराबर आ जाता है, तो उसका आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलिए नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 11th क्वेश्चन है, आपने वैल्यू फाइंड करनी है। टैन इनवर्स और ब्रैकेट में गिवन है 2 cos, और उसके अगर ब्रैकेट में है 2 sin inverse 1/2। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो जो सबसे लास्ट में ब्रैकेट है पहले इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, टैन इनवर्स 2 cos ब्रैकेट 2 sin inverse और आगे है 1/2। अब देखो, तो यहां पे ये साइन इनवर्स एक्स है, तो हमने साइन इनवर्स एक्स को सॉल्व करना, और यहां पे एक्स जो है 1/2 है। ठीक है, तो इसकी जो रेंज है वो क्या है, याद है आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और जब हम साइन इनवर्स की रेंज की बात करते हैं तो वो आती है फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमने इनकी वैल्यू जो है, यहाँ की जो वैल्यू है वो इन दोनों क्वाड्रेंट में रहेगी। अब देखिए 1/2 साइन का कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू 1/2 होती है पॉजिटिव में, तो ये मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यहाँ पे साइन पाई बाई 6। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ ऐसे, वन बाई टू को मैंने क्या लिख दिया, साइन पाई बाई 6। वो इसलिए लिखा क्योंकि जो साइन वर्स एक्स है वो ये दो क्वाड्रेंट है यहाँ पे, इसकी जो रेंज है वो लाई करती है, तो वो फर्स्ट आ गया क्योंकि पॉजिटिव था। तो इसे आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, क्या आ गया, टैन वर्स 2 cos फिर 2, ये साइन वर्स साइन, ये कितना आ गया, फर्दर नेक्स्ट cos पाई बाई 3 की वैल्यू, नेक्स्ट tan इनवर्स, फिर देखिए tan इनवर्स x जो है उसकी रेंज किस में है, फिर फर्स्ट और फोर्थ में, तीन हमने जो इनवर्स यूनिट फंक्शन कहे थे, एक साइन, tan और तीसरा, इन तीनों की जो इनवर्स फंक्शन की रेंज जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ में रहती है, तो इसकी फोर्थ में रहेगी। तो आप वैल्यू निकालें, 1 कितना आता है, पाई बाई 4, मेरे पास क्या आंसर आ गया, दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलो नोट करो। तो 2.2 एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है 21, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 इसके आंसर यहाँ पे गिवन हैं। तो tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, चारों में से कोई एक वैल्यू है, तो करें सॉल्व। दो क्वेश्चन है, एक ये है और ये, दो पार्ट हो गए ना, अलग अलग पार्ट हैं ये, तो यहाँ पे हम इसे करेंगे सॉल्व। tan इनवर्स, तो tan इनवर्स √3 जो है कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट और फोर्थ में, जो tan इनवर्स वो लाई करता है, तो इसका इसकी रेंज जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में रही। तो आपने √3 की जो वैल्यू है उसका मतलब कौन सा एंगल है tan का जिसकी वैल्यू √3 है, तो बताओ, और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहनी चाहिए, तो कितना होता है जी, पाई बाई सिक्स, और ये आपके पास यहाँ पे ये पाई बाई सिक्स जो है, tan पाई बाई सिक्स की वैल्यू कितनी होती है, √3, और पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई, तो आपके रेंज में आ गया जी।
नेक्स्ट है माइनस सेकंड पार्ट कोट इनवर्स. अब कोट इनवर्स की रेंज कहाँ होती है? फर्स्ट और सेकंड में. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा. अब देखते हैं किस में होगा. तो कोट इनवर्स रेगुलर रहने दो. चलिए नेक्स्ट क्या है? माइनस, माइनस है ना, तो फिलहाल आप माइनस रहने दें. रूट थ्री की वैल्यू कौन से कोट के एंगल की होती है? कोट का कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू रूट थ्री होगी? हाँ जी, कोट पाई बाई थ्री होती है. अब क्योंकि ये माइनस है तो इसमें से कौन सी क्वाड्रेंट में कोट माइनस होगा? सेकंड में. तो यहाँ पे मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, टैन इनवर्स टैन पाई बाई सिक्स माइनस कोट इनवर्स कोट पाई माइनस पाई बाई थ्री. इसका एक रिजल्ट भी है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे इसका रिजल्ट भी है डायरेक्ट. कोट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स. तो यहाँ पे यही होगा, पाई माइनस, तो हमने मेरे पास क्या आ गया, पाई आ गया. तो कोट इनवर्स एक्स की वैल्यू आपने क्या की थी? पाई बाई थ्री. तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोट इनवर्स पाई माइनस पाई बाई थ्री. क्या बन गया जी? टैन इनवर्स. हाँ जी बोले, ये कैंसल, क्या आ गया माइनस, ये कैंसल, इसे सॉल्व कर लो. देखो ना, कोट इनवर्स कोट कैंसल, तो थ्री पाई टू पाई बाई थ्री. नेक्स्ट कितना आ गया? सिक्स. कितना का पाई? फोर पाई माइनस थ्री पाई बाई सिक्स माइनस पाई बाई, तो कौन सा आंसर है? सेकंड. तो बी पार्ट आपका ट्रू है. ठीक है जी, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश है आपकी. जो क्वेश्चन खुद करने आपने नहीं आते तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया वहाँ से सारे क्वेश्चन सॉल्व है, वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है.